नमस्कार दोस्तों, मैं सागर मौर्य ऋषि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी दिवस एंड थीम एक क्लास लेके ले चुका हूँ, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये चार महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम आज अप्रैल माह का पहला दिवस, एक अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरिटाइम डे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस। 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। 18 अप्रैल को मनाई जाती है विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज, नेशनल पंचायती राज डे। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ओके दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण अप्रैल माह के दिवस हैं। आगे बढ़ते हैं हम मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। और इसी दिन 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है। और 2 मई को विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लॉफ्टर डे, एंड विश्व टूना, दो दिवस 2 मई को मनाए जाते हैं। और 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई 2022 को ही विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, लेकिन 2022 में मई का जो पहला मंगलवार है वो 3 मई को पड़ा, तो इसलिए 3 मई को ही इस बार विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक डे। 7 मई को, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को पुनः मातृ दिवस, मदर डे। वैसे तो मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, लेकिन 2022 में ये 8 मई को पड़ा, इसलिए 8 मई को दो दिवस आपने देखा, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और मातृ दिवस, दो दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और यहीं पे 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, नेशनल टेररिज्म डे। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 24 मई को कॉमनवेल्थ डे। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टबैको डे। ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण मई के महीने के दिवस। अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा जून माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। जून माह का पहला महत्वपूर्ण दिवस है, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तचाप
14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 17 जून को मनाया जाता है विश्व मगरमच्छ दिवस, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। 20 जून को मनाया जाता है विश्व रिफ्यूजी दिवस। 21 जून को विश्व योगा दिवस और विश्व संगीत दिवस, दो दिवस मनाए जाते हैं 21 जून को। 23 जून को मनाया जाता है विश्व ओलंपिक दिवस, 23 जून को मनाया जाता है। और यहीं पे देखते हैं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को मनाया। अब अगले बढ़ते हैं जुलाई माह के। जुलाई माह का पहला इम्पोर्टेंट दिवस है 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना दिवस और राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस और जीएसटी दिवस। इसमें से आपको ध्यान देने योग्य बात है जीएसटी दिवस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस, ये दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगला बढ़ते हैं 3 जुलाई को विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 11 जुलाई को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा स्किल दिवस, 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस, 19 जुलाई को मनाया जाता है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, बैंक नेशनलाइजेशन डे 19 जुलाई को मनाया जाता है, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और 26 जुलाई को आप सब लोग जानते हैं कारगिल दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ वर्ल्ड टाइगर डे। ये एक छोटी सी क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी और मैं आशा करता हूँ कि इस छोटी सी क्लास से आपके अधिकतर एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऋषि क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा क्लास को एंड करने की।